नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, जो इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनकी जो सैलरी है उसमें इजाफा होगा, तो दोस्तों आपका इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, जो लाखों कर्मचारी हैं उनकी सैलरी बढ़ गई है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे। जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर से संबंधित न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लाखों कर्मचारी की बढ़ गई सैलरी, इस बातें में हुआ 2% का इजाफा। जी हाँ दोस्तों, PSU बैंक में काम कर रहे 8 लाख से ज़्यादा बैंकरों और दूसरे स्टाफ में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान हो गया है। यह DA अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2021 के लिए है। दोस्तों, इस बार महंगाई भत्ते में 30 स्लैब की बढ़ोतरी है वो बढ़ोतरी हुई है, और यह बढ़ोतरी AII जो CPIW इंडेक्स है दोस्तों, उसके आंकड़े आने के बाद देखने को आपको मिलेगी। IBA के आदेश के मुताबिक जो इंडस्ट्रियल वर्ग के लिए अप्रैल, मई और जून का जो ACPI जो इंडेक्स है उसका औसत 7941.22 रहा है। इसमें जो DA वो 397 स्लैब रहा है। तो ऐसे हम करके देखते हैं तो जो आपका बनता है मई, जून, जुलाई 2021 के लिए DA 367 स्लैब था, इससे यानी कि 30 स्लैब की बढ़ोतरी हुई है, यानी जो आपका DA बढ़कर 27.79% हो गए हैं। इससे पहले यह आंकड़े 25.69% था, और इस हिसाब से बैंकरों का महंगाई भत्ता 2% से ज़्यादा बढ़ा है। दोस्तों, इसमें जो DA की गणना है वो भी की गई है। आप देख रहे हैं जो पिछला तिमाही स्लैब था 397 था, और अब ये 367 है, यानी कि इसमें से हम माइनस करेंगे तो 30 स्लैब आएगा, यानी कि परसेंटेज में 27.79%। तो दोस्तों, इसमें बताया गया कि IBA के जो HR डिपार्टमेंट है ब्रजेश्वर शर्मा के मुताबिक सरकारी बैंक में काम करने वाले जो प्रोविजनरी ऑफिसर की मंथली सैलरी 40 से 42 हज़ार रुपये महीना होती है, उनकी बेसिक जो सैलरी होती है वो 27,620 रुपये महीना के आसपास होती है। तो DA में 2% की बढ़ोतरी सैलरी पर असर पड़ेगा। दोस्तों, जो बैंक PO को पूरी सर्विस के दौरान 4 इंक्रीमेंट भी मिलते हैं, प्रमोशन के बाद जो अधिकतम बेसिक पे 42,020 रुपये तक चली जाती है। केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता, दोस्तों हम आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता भी बढ़कर 28% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1.5 साल बाद लागू हुई है, इससे केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में खास इजाफा हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू हुई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री RK निगम के मुताबिक कोविड महामारी के कारण सरकारी कर्मचारी को काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ी, उनका DA बढ़ने से रोक दिया गया, अब सरकार ने उसे जारी किया है, लेकिन 1.5 साल का एरियर है वो अभी तक नहीं दिया। तो जो हमारे बैंक कर्मचारी हैं दोस्तों, उनका और जो दूसरे स्टाफ वाले हैं उनका महंगाई भत्ता, और 8 लाख से भी ज़्यादा बैंकर हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, जो सैलरी है वो बढ़ चुकी है। तो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हमारी ओर से जय हिंद, जय जवान।